सुपरस्टार सलमान खान बॉलीवुड के सबसे फिट हीरो हैं। सलमान ने इस सिलसिले में हुए एक ऑनलाइन सर्वे में पहला स्थान हासिल किया है। सलमान ने ऋतिक रोशन और अर्जुन रामपाल सरीखे अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ये सर्वे स्वास्थ्य और कल्याण वेबसाइट thehealthsite.com द्वारा आयोजित करवाया गया था। सर्वे में 30,000 से अधिक लोगों ने अपने पसंदीदा सितारों को वोट किया। वरुण धवन ने हालांकि अब तक सिर्फ दो फिल्में की हैं, लेकिन उनके एक्टिंग और डांसिंग टैलेंट और पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ लोग उन्हें सलमान और गोविंदा का मॉडर्न डे वर्जन मानते हैं। स्वभाव से शर्मीले वरुण की निजी जिंदगी के बारे में भी कई रोचक बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के साथ उनके अफेयर। वरुण की माने तो ये दोनों सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने कभी उन्हें डेट नहीं किया। वरुण कहते हैं कि वे पूरी तरह सिंगल हैं और अभी मिंगल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। फिलहाल वरुण का पूरा ध्यान अपने करियर पर है। हाल ही में उन्होंने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए एक्टिंग सेक्स की तरह है। कॉफी विद करण में भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछे जाने पर जवाब में मनमोहन सिंह का नाम लेने वाले वरुण धवन की कुछ आने वाली फिल्मों में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और हुमा कुरैशी के साथ एस राघवन की एक फिल्म शामिल है। युद्ध रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी से जुड़ी खबरों को एकदम सीक्रेट रखा गया, लेकिन ये बात सामने आ ही गई कि दुल्हन रानी ने शादी के दिन क्या पहना था। फैशन कॉलमनिस्ट सुजाता एस उमुल ने ट्वीट कर इस जानकारी को रानी मुखर्जी के फैंस के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि इस खास दिन के लिए रानी ने उनकी पसंदीदा डिजाइनर और दोस्त सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइन किया आउटफिट पहना था। रानी को सब्यसाची के डिजाइन किए कपड़े बहुत पसंद हैं और उन्हें कई मौकों पर उनके डिजाइन किए कपड़ों को पहने देखा गया है। इमरान हाशमी के फैंस लंबे समय से अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। अब वे इमरान को फिल्म राजा नटवरलाल में बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। यूटीवी की राजा नटवरलाल को कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट किया है और इसका ट्रेलर ईद पर रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म किक के साथ पहली बार दिखाया जाएगा। इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा परेश रावल, हुमायूं मलिक और के मेनन हैं। राजा नटवरलाल की शूटिंग मुंबई, धर्मशाला और केप टाउन में हुई है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के इस डार्क हॉर्स को इस अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया है। मर्डर और उसका सीक्वल जन्नत राज 2 और डर्टी पिक्चर के बाद इमरान हाशमी ने हीरो ऑफ द मासेस के तौर पर पहचान बना ली है। अब देखेंगे इस टैग को लेकर वे कहाँ तक जाते हैं। शब्बीर खान की फिल्म हीरोपंती में 21 नए एक्टर नजर आएंगे। डायरेक्टर नए कलाकार चाहते थे, इसीलिए 3 महीने तक ऑडिशंस चले। देश भर से एक्टर बनने के इच्छुक आए थे और इनमें से 21 चुने गए। इनमें से अधिकतर थिएटर बैकग्राउंड के हैं। सूत्रों के मुताबिक टाइगर कृति की ये पहली फिल्म है, इसीलिए शब्बीर फिल्म में नए टैलेंट को चाहते थे। वे फ्रेश अप्रोच चाहते थे। लव स्टोरी हीरोपंती 23 मई को रिलीज हो रही है। देखना है कि नए सितारों का ये जलवा कितना रंग दिखाता है। चेतन भगत के 5वें नॉवल रेवोल्यूशन 2020 पर राजकुमार गुप्ता फिल्म बना रहे हैं। इसमें एक लव ट्रायंगल है। खबर है कि इसमें एक रोल प्ले करने के लिए राजकुमार राव को अप्रोच किया जा चुका है। वे इसमें गोपाल का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। राजकुमार इस कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर उन्होंने इसे साइन नहीं किया है। देश विदेश के बॉक्स ऑफिस पर पंजाबी तमिल का मेल कुछ इस कदर पसंद किया गया कि अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट स्टारर टू स्टेट्स ने पहले हफ्ते में ही अपनी लागत वसूलने के बाद प्रोडक्शन कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन को जश्न मनाने का मौका दिया। मीडिया के 3.5 से 4 की रेटिंग का असर ऐसा हो रहा है कि फिल्म ने रविवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन किया, तो वीकेंड के बाद भी फिल्म ने हर दिन औसतन 5 से 7 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके ट्रेड पंडितों को हैरान कर दिया। अपनी पिछली फिल्म गुंडे में रणवीर सिंह से एक्टिंग की फील्ड में पिछड़ चुके अर्जुन कपूर ने इस फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से आलोचकों को करारा जवाब दिया है। और वहीं टू स्टेट्स के ऑपोजिट 1-2 थिएटरों पर रिलीज हुई देख तमाशा देख पहले ही दिन से दर्शकों को तरसती नजर आई। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले सप्ताह में कमाई करना तो दूर, थिएटरों से ही विदाई कर गई। कृतिका कामरा यानी कुछ तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर निधि और आशीष शर्मा यानी रंगरसिया के रुद्र प्रताप राणावत या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त,
कुछ सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के लिए अप्रोच किया गया है। उन्हें लगभग फाइनल भी कर लिया गया है। मजे की बात तो ये है कि रंग रसिया में आशीष की को स्टार सनाया ईरानी को भी इस शो के लिए पहले अप्रोच किया जा चुका है, हालांकि सनाया ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म यंगिस्तान के लीड एक्ट्रेस जैकी भगनानी और नेहा शर्मा के अफेयर के चर्चे सुनने में आ रहे थे, लेकिन नेहा का कहना है कि जैकी एक स्वीट लड़के हैं, लेकिन वो उनके टाइप के नहीं हैं, वो उनके करीबी फ्रेंड तक नहीं हैं। नेहा ने ये भी कहा कि अगर वो रिलेशनशिप में होंगी तो उन्हें मीडिया के सामने इसका खुलासा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।